अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं हूँ ज़ियाद तारिक और आप देख रहे हैं ज़ियाद रेट्स। तो गाइज़ आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि 14 अगस्त के लिए फ्लैक्स कैसे या पोस्टर कैसे क्रिएट करते हैं पिक्सल लैब में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई से नई जो वीडियो है आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज़ सबसे पहले आपने एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, आपने इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और एक PLP फाइल है जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, आपने उसे भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद पिक्सल लैब को आपने पिक्सल लैब को ऐसे सिंपल ओपन कर लेने। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पे डबल टैप करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे अपना नेम लिख लेना, कुछ भी आपने लिख लेना। और इसके बाद आपने सेव पे और सेव एज प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसे कोई भी प्रोजेक्ट का नेम दे देना, ठीक है। तो इसे ऐसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इस पिक्सल ऐप को बंद कर देना, ठीक है, क्लोज कर देना। इसके बाद आपने चले जाना है अपने ऑल फाइल्स में, ठीक है, जो कि PLP फाइल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जब आप करेंगे तो वो आपके ना डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी, ठीक है। जब डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी आपने इसे सिंपल ऐसे सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। कुछ लोगों का यहाँ पर डीकम्प्रेस या एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, तो आपने एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर लेना है। अगर डीकम्प्रेस फाइल का ऑप्शन है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपने इसके बाद ओके करना है। तो इसके बाद आपको बोलेगा कि अपना पासवर्ड एंटर करें। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड कहीं भी बता सकता हूं। तो आपने यहां पे पासवर्ड एंटर कर देना है। तो जब आप पासवर्ड एंटर कर लेंगे तो आपने ओके कर देना, तो ये फाइल डीकम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो PLP जो ओपन होगा तो आपने उसे ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको कॉपी मूव या कट कुछ भी कर लेना आपने, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ, बस इसका मतलब है कि मूव कर लेता हूँ। तो मूव करने के बाद आपने अपने चले जाना पिक्सल लैब वाले फोल्डर में। वहाँ पे आपको मिलेगा प्रीसेट्स का एक फोल्डर, यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने सिंपल अगेन अपना पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने माय प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको ये PLP नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस एरो पे आपने डबल टैप करना है और बैक चले जाना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से ढूंढ लेना है अपना पिक्सल लैब वाला फोल्डर, ये इससे मुझे मिल गया। तो आपने इसके बाद आपको मिलेगा प्रीसेट्स का फोल्डर, आपने प्रीसेट्स पर क्लिक करना है और आपको लॉस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है, न्यू डिज़ाइन PLP, ठीक है, जो आपने अभी मूव किया है, ठीक है। आपने इसे सिंपल ऐसे इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है, ओपन एंड ऐड पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तो लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपने सिंपल लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जितनी भी इमेज हैं इनका आपने इनको अनलॉक कर लेना, ठीक है। ये जो मैंने यूज़ किया है अपनी पिक्चर, तो आपने सिंपल इस पिक्चर पर ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पहले रीसाइज़ का ऑप्शन, आपने देख लेना कि इसका रीसाइज़ का क्या है, ठीक है। तो ऊपर है इसका 15 और नीचे है इसका 35, ठीक है, आपने ये याद रखना है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद आपने चले जाना रीसेलेक्ट पे। तो आपने यहाँ पे अपनी कोई भी इमेज जो आप यूज़ करना चाहते हैं आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इमेज यूज़ करना चाहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन सी पिक्चर को यूज़ करना है। मैं इसे सिंपल सेलेक्ट करता हूँ इस पिक्चर को, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर होगी, आपने यहाँ पर आपको मिलेगा एक 3x4 का, ठीक है, ये वाला। तो आपने इस पे ऐसे सेलेक्ट करना 3x4 पे और इसके बाद आपने सर्कल पे ऐसे टिक कर देना। इसके बाद आपने टिक करना है और आपको बताया मैंने इसका रीसाइज़ पे क्लिक करना और इसको 15 कर देना रीसाइज़ करके। तो इसके बाद इसको 35 भी रहने देना क्योंकि पिक्चर अपनी जो करेक्ट पोजीशन है अब उस पे चली जाएगी, ठीक है। तो आपने अगेन नेक्स्ट पिक्चर पर भी ऐसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रीसेलेक्ट पर चले जाना और यहाँ पर आपने कोई भी जो पिक्चर यूज़ करनी है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो 3x4 पे अगेन और इसके बाद सर्कल पे और ऐसे टिक कर देना। सर्कल पे टिक करने के बाद आपने अगेन रीसाइज़ पे चले जाना और इसका साइज़ भी आपने 15 कर देना है। और याद रखें कि आपने साइज़ 15 और हाइट जो है 35 इसका रखना है, ठीक है। और इसके बाद वो पिक्चर जो है अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ पर जो है चली जाएगी, ठीक है। आपने इसके बाद पिक्चर का अगर नेम चेंज करना है तो आपने इन पिक्चर्स को लॉक कर लेना, ठीक है। ऐसे ही आपने सब पिक्चर्स पर ना ऐसे सब पिक्चर आपने चेंज कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने नेम है उस पर डबल टैप करना है। यहाँ पे आपने अगर अपना नेम चेंज करना है तो आप यहाँ पे अपना कुछ कोई भी नेम लिख सकते हैं जो आपका नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अहमद, जैसे है अहमद बड़ाइच,
और उसके बाद आपने टिक कर देना। ठीक है, ये देखें नेम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अगर आपने इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो आपने साइज़ पे चले जाना, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेना। ठीक है, ऐसे तो अगर इसकी पोजीशन आपने सेट करनी है तो आपने इसे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देना। इसके बाद आपने सेव पे चले जाना, सेव एज इमेज पे, और डिफ़ॉल्ट को आपने अल्ट्रा पे करके सेव टू गैलरी कर देना। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पे प्रेस करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।